गुड मॉर्निंग गाइस हमारे चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन हु अमोंग द हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुजाता चतुर्वेदी सुजाता चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो आई है फ्रॉम 1989 बैच ऑफ बिहार इन्हें न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया गया है सुजाता चतुर्वेदी को बाकी ऑप्शंस की बात करें तो राजीव बंसल इज द सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अनुराधा प्रसाद इज द सेक्रेटरी ऑफ इंस्टेट काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी है एंड देवेंद्र कुमार सिंह इज द सेक्रेटरी of minister of corporation. India has decided to set up a joint working group on industrial security with which of the following countries? Iska sahi jawab hai. option D US. India ne a joint working start kia with US country or an industrial सिक्योरिटी पर वर्क किया जाएगा इसमें इंडो और यूएस एग्रीमेंट हुआ है और ये सबमिट किया गया इन न्यू दिल्ली और इसका एम रहेगा कि एक्सचेंज कर पाए बिटवीन दी डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ बोथ कंट्री ये इसका एम रहेगा यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी एंड द करेंसी इज़ डॉलर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड द करेंसी इज़ रशियन रूबल ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा एंड द करेंसी इज डॉलर जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड द करेंसी इज अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ द ब्लाइंड स्वैम ईल हैज़ बिन डिस्कवर फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई मुंबई सिटी में न्यू स्पीशी डिस्कवर की गई है जो ब्लाइंड स्वैम्प ईल है और इसे डिस्कवर किया गया है इन मुंबई और इसका नाम रखा गया है इस जीनिस का नाम रखा गया है राक्ता मैक्थाइस और इसे डिस्कवर किया गया है मुंबई में इट इज़ अ न्यू स्पीशी इसे हाइपोजिनियन फ्रेश वाटर ईल भी कहा जाता है और इसे पब्लिश किया गया है बाय दी एक्वा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इचिटोलॉजी इसके द्वारा इसे पब्लिश किया गया है मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला बेंगलोर कर्नाटका की कैपिटल है और चम चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इनागरेटेड इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेह लेह में इनाग्रेट किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग और इसे इनाग्रेट किया गया ऑन on वन फिफ्टी टूथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इनके जन्मदिन पर सेकेंड अक्टूबर को इस फ्लैग को इनाग्रेट किया गया एंड इट इज़ इनागरेटेड बाई दी लद्दाख लेफ्टिनेंट जनरल आर के माथुर के द्वारा इसे इनाग्रेट किया गया और इसकी साइज़ है टू फिफ टू ट्वेंटी फाइव फीट लॉन्ग है एंड वन फिफ्टी फीट वाइड और इसका वेट अराउंड थाउजेंड के जी है और इसे प्रिपेयर किया गया है बाय द फिफ्टी सेवेंथ इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है बनाया गया है लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर इज़ द यूनियन टेरिटरी देहरादून उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है और न्यू दिल्ली इज़ आल्सो अ यूनियन टेरिटरी और यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल एंड दी गवर्नर इज़ अनिल बैजलाल विच वीक इज सेलिब्रेटेड एज वाइल्ड लाइफ वीक किस सप्ताह को वन जीवन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेकेंड अक्टूबर टू एट अक्टूबर, सेकेंड अक्टूबर और एट अक्टूबर को एज अ वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है और इसका एम है प्रोटेक्ट करना प्रिजर्व करना दी फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था इन 1957 में इसे ऑब्जर्व किया गया था और इस साल इसकी सिक्सटी सेवेंथ वाइल्ड लाइफ वीक है और इसकी इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइफ हुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट हु बिकेम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिशिया इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाजीला बोयडन रोमडान ये फर्स्ट पी एम बनी है फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है ऑफ दी कंट्री ट्यूनिशिया और अगर हम ट्यूनिशिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिस एंड द करेंसी इज़ ट्यूनिशियन दिनार एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ अरबिक और यहाँ के प्रेसिडेंट है काइस साजिद और नाजेला बॉयडन जियोलॉजी प्रोफेसर है एट नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर इन ट्यूनिस में ये प्रोफेसर रह चुकी है ऑफ द जियोलॉजी प्रोफेसर हु फॉलोइंग हैज वन द फर्स्ट आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सौरभ भट्टाचार्य सौरभ भट्टाचार्य एक फर्स्ट बने हैं जिन्होंने जीता है आंध्र प्रदेश आमच गोल्फ़ चैम्पियनशिप ये दिल्ली गोल्फ़ क्लब से खेलते हैं और अगर हम गोल्फ़ चैम्पियनशिप की बात करें तो ये होता है अंडर दी इंडियन गोल्फ यूनियन के द्वारा इसे किया जाता है अर्जुन भट्टी एंड दी रोहन ढोले पटेल इज दी फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप और इस गेम को इस साल होस्ट किया गया था बाय ईस्ट पेंट ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब के द्वारा विच स्टेट हैज़ साइन एन एम ओ यू विथ कॉसिस ई मोबिलिटी टू सेटअप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन यूनिट इन तलेगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र महाराष्ट्र की ये एक गांव आता है तलेगांव। यहाँ पर एक एम साइन किया गया है विद ई मोबिलिटी और ये सेटअप करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इन तलेगांव, और इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा टू थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ एंड इसके अलावा इसमें बारह सौ पचास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी और कॉसिस मोबिलिटी खुद ही बैटरी बनाएंगी उसे मैन्युफैक्चर करेंगी और सप्लाई करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मुंबई और इसके अलावा मुंबई यहाँ की समो कैपिटल है एंड नागपुर इज़ विंटर कैपिटल और यहाँ के सीएम एम है उद्धव ठाकरे एंड दी गवर्नर इज़ भगत सिंह कोश्यारी अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ की सीएम का नाम है मोहनलाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और यहाँ के सीएम है वाई जगमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है बिश्वाभूषण हरिचंदन कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर बेंगलुरु और यहाँ के सीएम है बिस्वराज बोमई और यहाँ के गवर्नर है थेवार चंद विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनाउंस द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सेटेलाइट जी सेट ट्वेंटी फोर मिशन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस इस पहले मिशन को स्टार्ट किया गया डिमांड रिवन कम्युनिकेशन सेटेलाइट ऑफ जी सेट ट्वेंटी फोर मिशन और इसे स्टार्ट किया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा इन ईयर 2022 और अगर हम जी सैट ट्वेंटी की बात करें तो ये है फोर टन का और इसका क्लास है के यू बैंड सैटेलाइट रहेगा और इसे विल किया गया है बाय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ इंडिया और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज द पार्ट ऑफ इसरो अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमित देव अमित देव को अपॉइंट किया गया है एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर वेस्टर्न एयर कमांड वेस्टर्न एयर कमांड के लिए अपॉइंट किया गया है अमित देव को एंड इट इज अपॉइंटेड एज अ ऑनरी ऑफ एट कैंप के द्वारा इसे इन्हें सिलेक्ट किया गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ दी हैप्पीएसट पीपल ऑन अर्थ इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वोल सोइंका वोल का इज द ऑथर ऑफ दिस बुक जिसका नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीस्ट पीपल ऑन अर्थ और इनकी फर्स्ट नॉवल का नाम था फिफ्टी ईयर्स एंड ये फर्स्ट ब्लैक विनर है जिन्हें नोबल प्राइज दिया गया है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंगना रनॉट कंगना रनोट को एम्बेसडर घोषित किया गया है ऑफ यूपी गवर्नमेंट वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है इस प्रोग्राम का एम रहेगा टू क्रिएट अ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब एक इंडस्ट्रियल हब बनाना एकरोस सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक ऑफ स्टेट और कंगना रनौत को इसका एम्बेसडर घोषित किया गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू हैव अ गुड डे